ये है देहरादून के घंटाघर की सबसे प्रसिद्ध दुकान कुमार स्वीट्स, और यहाँ पर खुद रेल मंत्री पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल मंत्री अपने खान पान का पेमेंट कर रहे हैं। यह दुकान फेमस है, क्यों फेमस है यह जानने के लिए हमने इसके मालिक से बात की और जानने की कोशिश की कि कुमार स्वीट्स इतना फेमस क्यों है। इस समय हम देहरादून की एक फेमस दुकान के अंदर हैं, कुमार स्वीट्स के अंदर हैं। और कुमार स्वीट्स हम आपको क्यों लाए हैं, इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर खुद रेल मंत्री और मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं कि फालूदा कुल्फी खाने पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर इस स्वीट शॉप के मालिक हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अगर हम इस स्वीट शॉप की बात करें, कितनी पुरानी दुकान है? सर नमस्कार, सबसे पहले सर हम 1950 में मेरे ग्रैंडफादर ने खोली थी, जब ये अनडिवाइडेड इंडिया पेशावर से यहाँ माइग्रेट होके आए थे। सर पेशावर से आप आए थे, यानी जो फैमिली आई थी, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह की एक दुकान थी? नहीं सर, वहाँ कुछ उनका अलग ही काम था, जमींदार लोग थे वो मेरे ग्रैंडफादर लोग। यहाँ पे आके उन्होंने खुद मतलब मिठाई बनाना जानते थे, तो अपना काम शुरू किया था वो। यहाँ जो आपकी सबसे खास मिठाई है, अगर हम उसकी बात करें, तो कौन सी है? सर कुल्फी फलूदा हमारी बहुत पॉपुलर है, कई बुक्स में भी उसका कवरेज हो चुका है। सर एक लोनली प्लैनेट ऑस्ट्रेलिया से बुक छपती है, जो फॉरनर्स यहाँ लेके आते हैं, उसमें इसका जिक्र है। बाकी हमारे पेठा पान, सर्दियों में गाजर का हलवा, तो ऐसे कई, और लौकी के लड्डू हमारे बहुत फेमस हैं सर। तो कुल्फी फलूदा की अगर हम बात करें, तो उसको क्या प्रिपरेशन होती है? हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि जो है किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ अगर हम देखें तो कुल्फी फालूदा के लिए ये जो हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार लोग पहुँचते रहते हैं। कितनी जो है आप प्लेट बेचते हैं एक दिन में? 120 रुपए की एक पैसे है सर, ये अमूमन 200-300 के आसपास बिक जाती है सर, जैसे गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में सेल कम होती है इसकी। क्या प्रिपरेशन रहती है इसकी? सर ये 3-4 पार्ट हैं, जैसे इसको बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कुल्फी बनाई जाती है, इसका इतिहास कई 100 साल पुराना है सर ये, कि इसको दूध में हम पहले बर्फ़ में करके बनाते थे, इसकी रबड़ी अलग बनती है सर। और इसमें दो तरीके के फलूदे होते हैं सर, एक मीठा फलूदा होता है, एक नॉर्मल फीका फलूदा होता है सर। तो ये 3-4 कंपोनेंट के तब बना के तब कुल्फी बनती है, 4 कंपोनेंट्स है सर। अच्छा, मिठाई को लेकर कोरोना के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बैठ गया कि डायबिटीज हो जाती है, तो उसके लिए कुछ आप लोगों ने सोचा कि डायबिटिक लोगों के लिए कुछ बनाए? नहीं अभी तो नहीं सर, लेकिन फ्यूचर में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं शुगर फ्री आइटम इंट्रोड्यूस करूँ कुछ। तो यहाँ जो लोग आते हैं देहरादून, तो वो इस जगह पर पहुंचते हैं, कुछ आप लोगों ने अपनी ब्रांचेज भी खोली हुई? सर मेरी मेन यूनिट तो ये है, इसके अलावा 3 फ्रेंचाइजी यूनिट हैं, जो एक मसूरी रोड पे है सर, एक शास्त्री नगर हरिद्वार रोड पे है, और एक प्रेमनगर पे है सर। अच्छा, आज जब खुद रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री थे, तो आपको क्या लगा, अचानक कोई प्लान था उनका? नहीं, मेरे ख्याल अचानक कोई प्लान नहीं था सर, लेकिन मेरे लिए बहुत, हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव था सर, कि रेलवे मंत्री यहाँ पे आए हैं और उनको हमारे आइटम प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे लिए बहुत मान की बात है सर। अच्छा, यहाँ जो लोकल, आप देहरादून में आए, दूसरी जगह से आए, और यहाँ के लोगों का जो प्यार मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमें बहुत जनता का प्यार मिला है, इसलिए मैं दिल से देहरादून की जनता का आभार और उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करता हूँ सर, हमने बहुत प्यार और बहुत भरोसा उन्होंने हम पे किया सर। अच्छा, ये तो बात हो गई कुल्फी फालूदा की, अगर यहाँ पर दूसरी मिठाई की बात करें, जो आप कह रहे थे वो दिखाएंगे कि कहाँ पर है, तो यहाँ ये फेमस शॉप है देहरादून की, वो हम आपको दिखाएं। शाम तक हमारे कई आइटम ख़त्म हो जाते हैं, तो लेकिन हमारे जैसे लौकी का लड्डू बनता है सर, वो बहुत बढ़िया आइटम है हमारा, और बहुत वो हर जगह नहीं मिलेगा सर आपको। और एक ही हम खजूर की बर्फी बनाते हैं सर, इसमें ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, इसमें नेचुरल खजूर की स्वीटनेस यूज़ की जाती है, अलग से शुगर एडिड नहीं होती सर इसमें। ये मतलब खजूर की जो मिठास है वही रहती है सर। यहाँ जो लोग देहरादून आए या मसूरी आए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए मैं दिल से उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार हम पर जरूर आए, और मैं आभार प्रकट करूँगा कि कई बार लोग आते हैं दिल्ली से स्पेशली कि आपका नाम सुना है, हम लेने आए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से। थैंक यू सर। यहाँ आप समझिए, ये देहरादून की सबसे फेमस शॉप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मिठाई का काउंटर है, उसमें कई मिठाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि शाम का वक्त है और यहाँ पर लाइन लगती है। और ख़ास तौर पर कुल्फी फालूदा की अगर हम बात करें, तो ख़ास तरीके की प्रिपरेशन है। और यहाँ पर ये जो परिवार है, अगर हम इसकी बात करें, तो ये पेशावर से आकर उन्होंने अपना यहाँ पर बिजनेस शुरू किया था, यानी एक मिठाई का धंधा शुरू किया था, और आज की तारीख में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन देहरादून।